जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार ने एक अहम बैठक बुलाई है आने वाले हफ्ते में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। बहुत बड़ी बैठक होगी, बल्कि ये कह सकते हैं कि 370 हटाने के बाद ये पहली ऐसी बड़ी बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। बैठक में फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती ऐसे तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर शामिल हो सकते हैं। बैठक में विधानसभा चुनाव पर चर्चा हो सकती है, स्टेटहुड पर चर्चा हो सकती है या कुछ और सरप्राइजिंग एलिमेंट होगा, ये देखना होगा। क्योंकि ये बैठक जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हो सकती है, इसमें कहा जा रहा है कि करीब 15 से 16 पार्टियां शामिल हो सकती हैं, जो एक गुपकार डिक्लेरेशन है वो पार्टियां, कुछ और बड़ी पार्टियां, लेकिन इसके अलावा कुछ और पार्टियां भी शामिल हो सकती हैं। तो ये जो बैठक है इसको कैसे देखें, देखिए इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कौन कौन है। मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता अनिला जी हैं। अनिला जी बहुत स्वागत है आपका। सुशील पंडित हैं, कश्मीरी पंडित एक्टिविस्ट हैं। सुशील जी बहुत स्वागत है आपका। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह हैं सर, बहुत स्वागत है आपका भी। मोहित भान है, पीडीपी के प्रवक्ता है। मोहित आपका बहुत स्वागत है। और फख्र यूसुफजई पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ हैं। फख्र गुड मॉर्निंग, आपका भी बहुत स्वागत है। और देखिए अमोद राय हमारे साथ दिल्ली से और इरफान हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ रहे हैं, इनसे भी हम लगातार अपडेट लेंगे हमारे दोनों सहयोगियों से। लेकिन क्यों अहम है ये बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं, ये बैठक इतनी अहम क्यों होगी और इसके पीछे क्या समझा जा रहा है? आइए बिग वॉल पर चलते हैं और फिर इस बारे में बात करते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री की इस बैठक को कैसे देखें। अगर प्रधानमंत्री कश्मीर की सभी पॉलिटिकल पार्टियों से मिलने जा रहे हैं तो उसके पीछे मकसद क्या हो सकता है? अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद ये पहली बड़ी बैठक होगी और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हो सकती है। पीएम मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं, ये जानकारी आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ और बड़े नाम इस बैठक में हो सकते हैं। 370 हटाया गया था 5 अगस्त 2019 को और उसके बाद से ऐसी कोई इतनी बड़ी बैठक अभी तक फिलहाल नहीं हुई है। तो आखिर इस बैठक की जरूरत क्या है, क्या मन में है सरकार के, क्या करना चाहती है मोदी सरकार कश्मीर को लेकर आगे? 370 को हटाना बहुत बड़ा कदम था, ऐतिहासिक कदम था। उसके बाद स्टेट को दो हिस्सों में बांटकर जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था और यह बहुत बड़ी बैठक होगी 370 हटने के बाद। और ये देखना होगा कि इसके बाद आगे क्या इस बैठक से निकल कर आता है। लेकिन मैं पहले सूबे में राजनीतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर बात हो सकती है, मैं अनिला जी आपके पास आऊंगा। अनिला जी क्या इस बैठक को हम कैसे देखें, क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल तो इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन क्योंकि एक लंबी बैठक का दौर जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक पिछले कई दिनों से चला है, अब इस बैठक के बारे में जानकारी आ रही है कि प्रधानमंत्री अध्यक्षता कर सकते हैं। देखिए गौरव जी, अगर हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी का एक मिशन, एक विजन, एक चाहत की अगर हम बात करते हैं, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस प्रकार से अपना बलिदान दिया था, तब से एक सपना रहा है भारतीय जनता पार्टी का और मैं कहूंगी कि पूरे पूरे भारत का, कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर जो है वो हमारा एक अभिन्न अंग दोबारा से बन जाए। यानी कि जैसा कि हम लगातार बोलते हैं कि एक झंडा, एक ही संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोले अंग्रेजी में, तो सब एक ही तरीके से पूरा देश चले, तो उसका जो प्रयास किया गया और उसमें सफलता भी प्राप्त हुई वो कि हमारी मोदी सरकार ने 2019 में 5 अगस्त को, वो एक बहुत बड़ा लीप था, लीप ऑफ फेथ लिया था ये सोचकर कि ये कदम हम उठा रहे हैं और इसमें कामयाबी होगी। और आप लगातार देख लीजिए, आंकड़ों के हिसाब से भी देख लीजिए, जम्मू कश्मीर जिस प्रकार से वहां पे टेररिज्म भी कंट्रोल में आया है और बेहतर हो सके, विकास हो सके, उसके लिए बैठ के भी होती है और मजबूती से भी कदम उठाए जाएंगे। नहीं बिल्कुल, बैठ के होनी चाहिए, विकास के लिए काम होना चाहिए, लेकिन एकदम से हलचल बढ़ी एक साथ, इसको लेकर तमाम कयासों का दौर, विरोधी से लेकर तमाम बुद्धिजीवी लगा रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।